हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नॉकबैक के पहले वीडियो में। सो गाइस, आज हम पहली बार द नॉकबैक खेलने जा रहे हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये द नॉकबैक है क्या, तो इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये एक गेम है जो कि मैंने बनाया था क्राफ्टमैन के अंदर, और आप इस गेम को माइनक्राफ्ट के अंदर भी बनाकर खेल सकते हो। फिलहाल तो इस गेम को मैंने 2 महीने पहले बनाया था, बट अभी मैं इस गेम को खेलने जा रहा हूँ। इस वजह से मेरे को बिल्कुल भी इसकी प्रैक्टिस नहीं है। मैं हार भी सकता हूँ या फिर जीत भी सकता हूँ। अगर आपको इस गेम को अच्छे तरीके से समझना है तो मैंने एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। उस वीडियो को जल्दी से जाकर देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वो वीडियो देखकर भी नहीं समझ आ रहा है तो आपको यही वाला गेम प्ले देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, मीन्स डायरेक्ट खेलने जा रहे हैं। उसके अंदर तो मैंने सिर्फ बताया था कि ये गेम कैसे हम खेल सकते हैं, बट इसके अंदर हम डायरेक्ट खेलने जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला है। फिलहाल तो आपको मैं ये बता देता हूँ जिससे कि आपको ये गेम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो अपना ओपोनेंट मीन्स अपने चार्ली भाई जहाँ पर खड़े थे, जिन्होंने अभी हमको मार के गिरा दिया, वो एक फोर्ट है, और चार्ली भाई उस फोर्ट के राजा है। उस राजा के ऊपर हमें अटैक करना है और उसको वहाँ से नीचे गिराना है। अगर वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और हम ऊपर रहते हैं तो वो फोर्ट हमारा हो जाएगा और हम उसके नए राजा होंगे। और वैसे ही जैसे हम ऊपर रहेंगे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, और ऐसे हमको 10 पॉइंट्स लेने हैं। जिसके पहले 10 पॉइंट्स हो जाएंगे वो ये गेम जीत जाएगा। फिलहाल तो चार्ली भाई ने मेरे को 2 बार भाई साहब गिरा दिया, क्या मस्त तरीके से। मैं एक अटैक करूँ और मैं उसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ और वो मेरे को गिराएंगे, क्योंकि उनको भी अपना फोर्ट सिक्योर करना है। और हर राजा का तो धर्म होता है कि अपने प्रजा और अपने किले की रक्षा करना, तो ऐसा ही ये गेम है। बस मैंने इस फोर्ट को एकदम मस्त तरीके से नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ा फोर्ट बनाने की सोचता तो भाई साहब उसके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और इसके बीच में एक दिन बीत जाता माइनक्राफ्ट का, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। इसके वजह से मैंने छोटा ही फोर्ट बनाया। ऐसे फोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये फोर्ट का एक पिलर लग रहा है, मीन्स एक स्नाइपर टावर जैसा लग रहा है। बट अभी क्या कर सकते हैं, मैंने फटाफट से इस गेम को बना दिया क्योंकि मेरे माइंड के अंदर एक आइडिया आया था और मैं उसको ट्राई करना चाहता था। फिलहाल तो अभी यहाँ पर चार्ली भाई आ चुके हैं, और भाई ये चार्ली भाई ने क्या मैजिक किया, क्या बारिश चली गई भाई साहब। चार्ली भाई ने मौके का फ़ायदा उठाया भाई साहब। चार्ली भाई का मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मीन्स उन्होंने जैसी जंप मारी बारिश चली गई और मैं ऊपर देखते रह गया, और चार्ली भाई ने मेरे को एक फट करके चपेट मारी और मैं नीचे गिर गया। भाई साहब, मैंने अब तक जो भी शॉट चार्ली भाई को बचा है, एक शॉट के अंदर ही चार्ली भाई नीचे जाकर गिरे। अभी भी मेरे को वैसे ही एक शॉट मारना है, बट चार्ली भाई बहुत ज़्यादा दूर चले गए। लेट्स गो, मीन्स मैंने एक ही शॉट मारा था और अभी दूसरा शॉट मारा, उसके अंदर चार्ली भाई सीधा नीचे जाके गिर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर चार्ली भाई वापस से आ रहे हैं, हमको और एक पॉइंट चाहिए जिससे कि हमारे पॉइंट सेम हो जाएंगे। वैसे मौसम बहुत सही हो चुका है भाई साहब। चार्ली भाई ने भी मारा और मैंने भी मारा, भाई मैं गलती से भी मर सकता हूँ यहाँ पर, और चार्ली भाई भी आ चुके हैं। अभी मैं क्या करूँगा, चार्ली भाई को ऊपर जाने ही नहीं दूंगा। भाई साहब ये चेस्ट ओपन हो गया, चार्ली भाई गिर जाओ। भाई साहब चार्ली भाई तो मर गए, शिट मैं भी क्या गधा बंदा हूँ, मैंने चार्ली भाई को गलती से मार दिया। चार्ली भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, कैसे करके भी गेम के अंदर आ चुके हैं। वैसे गाइस, आप लोगों को ये गेम ऑलमोस्ट समझ में आ चुका होगा, तो जल्दी से बनाइए अपने वर्ल्ड के अंदर भी। और अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है तो आपको इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपके पास 6 प्लेयर्स हैं तो बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से आप इस गेम को खेल सकते हो, क्योंकि 3-3 की टीम बनेगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गेम के अंदर। फिलहाल तो अभी चार्ली भाई बहुत अच्छे तरीके से हम जो बातें कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मैं बातें कर रहा हूँ और उसके बीच में वो मेरे को मार दे रहा है। फिलहाल तो अभी हम वापस से आ चुके हैं ऊपर, और चार्ली भाई के 5 पॉइंट हो चुके हैं, तो चार्ली भाई को मस्त तरीके से मारना पड़ेगा। भाई साहब, चार्ली भाई तो कतई खतरनाक हो रहे हैं, उनको अभी कैसे मैं यहाँ से गिराऊंगा। चार्ली भाई बेइज्जती हो जाएगी, ये गेम मैंने बनाया था और आप मेरे को हरा रहे हो, यार ये क्या कर रहे हो। वैसे इनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हम लोग डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड नहीं है। फिलहाल तो अभी पता नहीं चल रहा है कि चार्ली भाई ऊपर आए हैं या फिर नहीं, अभी डिक्लेयर हो चुका है। मीन्स चार्ली भाई भी गिर गए थे और इसकी वजह से हम दोनों को एक साथ पॉइंट मिल गए। वैसे अभी मैं चार्ली भाई को मारने के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि चार्ली भाई गुस्सा हो जाएंगे और हमें जल्दी से अभी फोर्ट के ऊपर जाना है और उसका राजा बन लेना है। और चार्ली भाई भी एक साथ कूद गए, यार अभी इनको मारना पड़ेगा। जाओ वहाँ पर नीचे, भाई क्या ही क्रिटिकल मार रहे हैं यार ये चार्ली भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक पीवीपी के प्लेयर है यार। अभी मेरे को गिरा दिया यार, उनके 8 पॉइंट हो चुके हैं, अभी हम पूरा गेम ऑलमोस्ट हारने वाले। 1 पॉइंट अगर चार्ली भाई को मिल गया तो भाई साहब हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, मीन्स 30% ही हो जाएंगे या फिर 20%। भाई क्या ही खतरनाक शॉट बजाया है भाई, ऐसे शॉट मारने को मजा आता है। मीन्स वन शॉट
से बनता नीचे, क्या ही मस्त मजा आता है। वैसे अपने घर भी कितने मस्त लग रहे हैं यहाँ से, घर भी मैंने एकदम छोटे बनाए थे बट बहुत मस्त बन गए। वैसे चाली भाई लेफ्ट कर रहे थे गेम को बट वापस से आ गए, उनको लगा कि गेम जीत गया मैं, बट अभी 2 पॉइंट चाहिए चाली भाई, आप ऐसे जीत नहीं सकते इतनी आसानी से। पैसे के लिए हम खेलते हैं और पैसे भी हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हमने पैसे बना के रखा है, मीन्स हमने नहीं रखा है। आपने अगर मेरी MAW वाली वीडियो देखी नहीं है तो वो जल्दी से आकर देखो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। उसके अंदर है ना करेंसी का सिलेक्शन हुआ था, तो वही हमको इस गेम को जीतने के बाद मिलने वाले हैं। और उस पैसे से हम अपने लिए आर्मर खरीद सकते हैं और एन्चेंटमेंट्स भी खरीद सकते हैं। उसके साथ ही हम जो नॉकबैक वाला वो होता है ना वो भी खरीद सकते हैं, मीन्स वो पंच वाली एन्चेंटमेंट होती है तो वो भी खरीद सकते हैं। फिलहाल तो मैं उस वाले स्टेयर से हर बार जा रहा था बट अभी इस वाले स्टेयर से चलते हैं, क्योंकि उस वाले स्टेयर से बहुत ज़्यादा घटिया तरीके से मैं मर रहा हूँ। अभी यहाँ से चलते हैं जल्दी से नीचे। चाली भाई भाई इनको मैं अभी थोड़ा बहुत गुमराह करता हूँ और ये गए नीचे, लेट्स गो। क्या ही मस्त खेला, पहले भी मैं ऐसा ही खेलता था, अभी मेरे को अपने ट्रिक्स थोड़े बहुत याद आ रहे हैं क्योंकि 2 महीने के बाद अभी खेल रहा हूँ, मीन्स 2 महीने के बाद नहीं 1 महीने के बाद खेल रहा हूँ। 2 महीने के पहले मैंने इस गेम को बनाया था तब मैं कैसे खेल सकता हूँ। फिलहाल तो बेचारी भाई वापस से आ चुके हैं और भाई ये है ना ट्रैपडोर के ऊपर, ट्रैपडोर भाई मैंने चेस्ट ओपन कर दिया यार, मैं चेस्ट क्यों रखता हूँ यहाँ पर। चाली भाई मारो, क्या कर रहे हो भाई साहब, अभी मैं गिरने वाला था, थोड़ा सा बैलेंस मेरा बचा बट चाली भाई का नहीं बचा, इसकी वजह से वो नीचे गिर गए। फिलहाल चाली भाई तो भाई बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम में आ चुके होंगे क्योंकि उनको 1 पॉइंट चाहिए और मैं उनको वो 1 पॉइंट लेने नहीं दे रहा हूँ, मेरे 8 पॉइंट हो चुके हैं। अभी चाली भाई को मेरे को कैसे भी गिरा कर, दोनों के हमारे सेम पॉइंट होने चाहिए अभी मेरे को ऐसे ही लगता है। अभी चाली को मार देते फटाफट से, भाई चाली भाई ये कहाँ, भाई यार वहाँ पर मैंने गैप क्यों रखा है यार। अभी मेरे को भाई साहब मैं एक बार भी लाइफलाइन यूज़ नहीं कर पाया और चाली भाई जीत चुके हैं, हम 2 पॉइंट से हार गए गाइस। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा सही तरीके से खेलने की हमने कोशिश तो की थी बट हम हार चुके हैं, कोई बात नहीं। टारगेट मॉब के अंदर भी मैं पहली बार हार गया था बट उसके बाद के दोनों भी गेम प्ले आई थिंक मैं जीत गया था। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया तो प्लीज़ अपने वर्ल्ड के अंदर भी बनाओ और इसको खेलो, बहुत ज़्यादा सही मज़ा आएगा आपको। और इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इसका गेम प्ले नेक्स्ट वाला जल्दी आएगा अगर आपने 5 लाइक्स का एम कम्प्लीट कर दिया तो। बाय बाय।